हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत बढ़िया होंगे एक बार परफेक्ट एक बार सभी लोग बता दो आज सबको सही से आ रही है सब कुछ क्लियर है एम आई ऑडिबल विजिबल प्रॉपर तरीके से है ना एक बार आप थम्स अप करेंगे तो सेशन को शुरुआत हम लोग कर देंगे सेशन की शुरुआत और जल्दी से बता देंगे बढ़िया से हो अच्छे से हो तैयारी अच्छे से हो रही है कॉन्फिडेंस हाई है मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है गुड इवनिंग टू एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आज इतने दिनों बाद हम लोग मिले हैं ना आज इतने दिनों बाद हम लोग मिले हैं तो कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा सा बुरा भी लगा क्योंकि नहीं मिल पाए दो दिन है ना तो बट ऑल ओके ठीक है आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं आज के सेशन में हम लोग करेंगे एक मिनी मैराथन मिनी मैराथन हमारा टू आवर्स का ही सेशन होगा इसलिए हमने इसको नाम दिया है मिनी मैराथन क्योंकि ज्यादा बड़ा सेशन हो तो उसको मैराथन बोलेंगे ना हम तो मिनी मैराथन कर रहे हैं इसमें आज मैं आपको इन टोटल दो मॉक टेस्ट करवा दूंगी दो मॉक टेस्ट से भी हो सकता है ज्यादा हो जाए एज पर योर स्पीड है ना जितनी स्पीड आपकी रहेगी उस अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन कर लेंगे साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं एकदम एकदम वही क्वेश्चंस करेंगे जैसे आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो तो डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे इजी भी टफ भी मॉडरेट भी मतलब सब कुछ एक साथ रहेगा है ना तो आर यू रेडी हाँ जी हाँ जी पूरी तैयारी है पूरी एक्चुअली ये नया कैमरा सेटअप हुआ है तो मैंने अभी सर को बोला था कि थोड़ा सा ना ये पिंकिश पिंकिश सा लग रहा है तो मैंने मजाक कर दिया सर को कि अच्छा है ना मैं ब्लशी ब्लशी लग रही हूँ आज ऐसी रहने दो सेट करने का टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं हो पाया थोड़ा सा पिंक लग रहा है लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेट कर लेंगे ठीक है हाँ जी वंदना जी आप बोल रहे हो मैम मेहंदी लगा सकते हैं एक को मेरा एग्जाम है पाँच को मेंस है एक चीज़ आपको बोलना चाहूंगी प्रीलिम्स में भी आपका बायोमेट्रिक होता है और मेंस में भी आपका बायोमेट्रिक होता है मैंने तो लगा लिया ना क्योंकि मुझे तो लगानी ज़रूरी थी लेकिन अगर आपका बायोमेट्रिक मेंस में मैच नहीं करता फिर आपको बैठने नहीं देंगे एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था कि उसने प्रीलिम्स में नहीं मेहंदी लगाई हुई थी मेन्स में वो मेहंदी लगा के गई तो उसका फिंगरप्रिंट नहीं आया मेहंदी की वजह से तो अगर आप आ, लगाना चाहते हो कोशिश करना कि ये थंब आप छोड़ दो क्योंकि इसका बायोमेट्रिक होता है बाकी लगा लेना क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए है ना मेरा तो कोई बात नहीं चलता रहेगा चलो स्टार्ट करें जितने भी बच्चे ज्वाइन हो चुके एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दो ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके थोड़ा सा नया सेटअप है तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि हमारे सारे कोर्सेज पे 20 परसेंट डिस्काउंट चल रहा है आपको कोड लगाना है ऑल 20 और मॉक पे 25 परसेंट डिस्काउंट चल रहा है आपको कोड लगाना है मॉक ट्वेंटी तो ये चीज़ें आप अवेल कर सकते हो छोटी सी इफॉर्मेशन एंड हमारी ऐप आप पे आपको सब कुछ मिलने वाला है कल एक हमारा फाइनल कल होने वाला है क्या ये हमारा एक फाइनल मैराथन होने वाला है जिसके अंदर टेन डी आई इन वन क्लास होंगी दो मॉक टेस्ट रहेंगे जो मैं आपको करवाऊंगी हर्षल सर आपको कौन करवाने वाले हैं और मैं स्मृति मैम आपको करवाने वाली है रीजनिंग तो एक फाइनल आ जाना मैराथन में है ना उसमें बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग सब चीज़ें तो आई होप आप सभी लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बार फटाफट सब लोग हार्ट साइन और फायर इमोजी साइन दिल जले बना दो सेशन पे एक बढ़िया सा क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी दिखा दो और एकदम ज़ील से सेशन स्टार्ट करेंगे ठीक है चलो जी पहला क्वेश्चन आपके सामने गे रहा यहां पे टाइमर आता है क्या अह इसमें स्टॉपवॉच लेट मी सी है ना आप लोग स्टार्ट करो इतनी देर में फिगर आउट करती हूँ स्टॉप लगती कहां से है लग गई ये लो जी चलो जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आज कोशिश करना कि जितने भी क्वेश्चंस आप बनाओ अच्छे से बनाओ और क्वेश्चंस सही करने की कोशिश करना ठीक है डन चल मैं आपको क्वेश्चंस शो कर देती हूं हो रहा है इसको चलो क्वेश्चंस देख लो इसके पहले दो क्वेश्चंस है जल्दी से आंसर्स बताओ फर्स्ट का सी बता रहे हो सेकंड का बताओ सेकेंड का आंसर क्या आ रहा है अच्छा जल्दी जल्दी से ही स्टार्ट हो जाएगा आप टेंशन मत लो नेक्स्ट का बताओ चलो स्टार्ट करते हैं है ना? यहीं से ही करना पड़ेगा जगह तो है नहीं लिखने के लिए अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट एफ ड्राइव टूवर्ड साउथ फॉर थ्री किलोमीटर्स अब ये क्या है ये बैक कैसे होगा चलो स्टार्ट करते हैं पर्सन फ्रॉम पॉइंट एफ ड्राइव टूवर्थ साउथ थ्री किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी ड्राइव करता है लेफ्ट टर्न एंड ट्वेल्व किलोमीटर टू रीच पॉइंट एच अब यहां से वो लेता है वो नीचे गया साउथ की तरफ लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट टर्न इधर जाएगा बारह किलोमीटर चल लिया उसने एंड रीच पॉइंट एच यहां से पॉइंट एच पे पहुंच गया

फिर राइट right टर्न लेता है पॉइंट जे पे पांच किलोमीटर यानी कि आठ से थोड़ा कम बनेगा ये जो ये जे जे वाला पॉइंट बना है ये कितना है पांच किलोमीटर है थोड़ा सा इसको साफ करके लिख देते हैं है ना ये छे है ये जे है ये पांच है कहां पे पहुंच जाता है एंड रीचेज पॉइंट एन पॉइंट एन पे पहुंच जाएगा आगे क्या बोलता है एट दिस पॉइंट ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स फॉर एट किलोमीटर अब यहां से वो लेफ्ट टर्न लेगा इधर की तरफ एट किलोमीटर छे तो यहां से कवर हुआ क्योंकि छ उसने पहले कवर अप किया छ और कवर अप किया दो और कवर अप किया ठीक है आठ किलोमीटर रीच करके पहुंच जाता है पॉइंट बी पे वेयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड फॉर टू किलोमीटर यहां से भी वो फिर एक क्या लेता है राइट right टर्न दो किलोमीटर पे थोड़ा सा ऊपर यानी कि आठ से थोड़ा सा कम क्योंकि पांच पहले हुआ प्लस दो हुआ सात ये टोटल है आठ का के पे पहुंच जाता है ये भी था थोड़ी सी जगह कम है इसलिए प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट कर लेना ठीक है आ, आगे क्या बोलता है ही फाइनली स्टॉप्स एट पॉइंट वाई विच इज थ्री किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट के अब यहां से तीन किलोमीटर जाएगा और पहुंच जाएगा किस पे वाई पे क्या सभी का डायग्राम ऐसा ही बना एक बार बता दो सभी लोग सभी का सभी का ऐसा ही बना है ठीक है बफरिंग हो रहा है क्या बफरिंग हो रहा है क्या एक बार रिफ्रेश कर लो प्लीज सब लोग है ना रिफ्रेश कर लो एक बार इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाई वाई से हमें जाना है बी पे तो वाई से बी पे एक तो ऊपर और जाना पड़ेगा ना आठ पूरा करने के लिए एक ऊपर और जाना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं गई ईस्ट और फिर मैं गई नॉर्थ नौ और ईस्ट कहां पे आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर सी क्या सभी ने सी आंसर दिया था चलो

K है और एफ है ये देखो ये वाला बनेगा थोड़ा ध्यान से देखना थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे पॉइंट बी था मुझे K और F. ये ये बनना चाहिए, इतना, ठीक है? ये था हमारे पास तीन मेरे को इसको ऊपर इक्वल करने के लिए एक और जाना पड़ेगा सबको पता है मैं एक यहां से और गई और यहां से मैंने तीन लिया टोटल हुआ मेरे पास कितना चार और बेस मेरे पास कितने का है दो का तो चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह और दो का कितना होता है चार तो रूट ट्वेंटी रूट ट्वेंटी कितना होता है टू रूट फाइव क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या सभी के तीनों के तीनों सवाल एकदम सही बने हैं क्या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से है ना स्टार्ट करो लास्ट वाला रिपीट करूं क्या अभी करती हूँ रिपीट बन गया लास्ट वाला रिपीट करने को बोल रहे हो आप लोग ये पता नहीं ये छोटा नहीं हो रहा बार बार लेना पड़ रहा है इसको लास्ट वाला दोबारा बताऊं देखो यहाँ पे हम लोग बाय एक किलोमीटर लेके पहुंचे थे ध्यान से देखना ये पूरा था एट किलोमीटर्स पांच मैंने यहाँ से कवर अप किया तीन आ, दो मैंने यहाँ से कवर अप किया ऐसे किया था पांच और दो कितना हुआ सात लेकिन मुझे अगर वाई से पहुंचना है तो मुझे एक और लेना पड़ेगा है ना मैंने क्या किया ये पूरा ट्राइंगल मुझे चाहिए ये पूरा ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे एक किलोमीटर यहाँ का भी तो चाहिए वो रह गया था तो ऊपर वाला तीन था एक मैंने और लिया चार बेस मेरा दो ही था तो मैंने दो लिया अपने को क्या निकालना हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस ये चार का स्क्वायर था और ये दो का स्क्वायर था समझ समझ में आ गया सबको? समझ में आ आ गया गया सबको सबको बता दो एक बार चलो यहां पे बोलता है इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग थर्ड फोर्थ सिक्स एंड एट लेटर्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वी आई एच और बन रहा है क्या इसके अलावा और कोई वर्ड बन रहा है इससे हाइव के अलावा आई डोंट थिंक कि बनेगा एक ही वर्ड बन रहा है सबका तो अगर हमारे पास एक वर्ड बनता है तो उसका लास्ट लेटर हमें देखना है एक से ज्यादा बन रहा है तो हमें एक्स डालना है और कोई भी नहीं बन रहा तो हमें वाई डालना है लास्ट लेटर इसका ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से ठीक है आज ट्वेल्व थर्टी वाली क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि स्टूडियो हमारा सेटअप हो रहा था थोड़ा सा दोबारा से है ना इसलिए नहीं हो पाई थी और कुछ हर्षल सर की क्लास भी थी तो आई आई वॉन्टेड कि आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस दो बी <coughs> हाइव सुना होगा आपने मधुमक्खी का झुंड क्या बोलता है देखो हाउ मैंने सच पेयर ऑफ नंबर देयर इन द नंबर इसमें ऐसे कितने पेयर हैं जितने इस नंबर के सीरीज के बीच में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ये बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ते हैं लेकिन हम लोग करेंगे देखो एट वन थ्री फोर सिक्स फाइव टू एट काउंट करना शुरू करो एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव एक पेयर बना सिक्स सेवन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितने बन गए चार तो बन ही गए एक और बनाना ऑप्शन नंबर ही अपना आंसर हो जाएगा उसके बाद देखो सिक्स सेवन एट नाइन नहीं फाइव और सिक्स अपने पास मोर देन फोर आ रहे हैं ज्यादा बनाने की जरूरत है ही नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थर्टी सेकेंड्स मोर देन फोर जब आपको दिख रहा है तो बाकी के पेयर बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं देखो बोलता है ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू रेडिएटर इज इंजन ओनली अ फ्यू का रिलेशन क्या होता है सम का रिलेशन भी होता है और सम नॉट का रिलेशन भी होता है आप सबको पता है सम इंजन इज बैटरी कुछ इंजन बैटरी हैं ऑल बैटरी इज कम्प्रेसर सारी की सारी बैटरी कंप्रेसर हैं अब हमसे कंक्लूजन में पूछ रहा है क्या नो बैटरी इज रेडिएटर कोई भी बैटरी जो है वो रेडिएटर नहीं है क्या बोलता है नो बैटरी इज रेडिएटर तो यहाँ पे बैटरी रेडिएटर भी हो सकती है रेडिएटर नहीं भी हो सकती मुझे नेगेटिव रिलेशन कोई भी नहीं दिख रहा सम कंप्रेसर कैन बी रेडिएटर कुछ कंप्रेसर जो है वो रेडिएटर हो सकते हैं अगर मैं कंप्रेसर का ये ऐसे बड़ा कर दूँ इसका सर्कल तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा दैट मीन्स सम कंप्रेसर जो है वो रेडिएटर हो सकते हैं ओनली सेकेंड फॉलोज क्या सबका सही हुआ है मैं लास्ट में सबसे पूछूंगी कि आज किस किसने फुल स्कोर किया है इस सेशन के अंदर ठीक है तो ध्यान से आराम से ठीक है ध्यान से और आराम से कोई बात नहीं शालिनिनी जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे करो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो स्टार्ट करो जल्दी से थर्टी सेकेंड्स यही कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं करूंगा स्कोर अगर यही कॉन्फिडेंस आ गया तो पेपर भी बहुत अच्छा होगा आंसर दो तो जल्दी से आंसर आ रहा है ए चलो स्टार्ट करते हैं ओनली अ फ्यू ब्रेक्स आर एक्सेल एक्सेल ही बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे सिर्फ कुछ ब्रेक्स जो है वो एक्सेल है है ना ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है सम एंड सम नॉट

बोलता है सम ब्रेक्स कैन बी पिस्टन तो मैंने आपको बता रहा है जब भी अपने पास कोई चीज डेफिनेट होती है मुझे ब्रेक्स और पिस्टन का रिलेशन दिख रहा है है जब भी कोई चीज डेफिनेट होती है, तो वो पॉसिबिलिटी तो वो पॉसिबिलिटी क्या किया था तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती अगर कोई चीज डेफिनेट है तो गलत हो जाएगी दैट मीनस ओनली वन फॉलोज ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से सिलॉग्स सारे सही होने चाहिए सबके एक भी सिलॉग्स गलत नहीं होना चाहिए ठीक है आ रहा है आंसर देखो बोलता है ओनली अ फ्यू सील इज एंजल फिश सिर्फ कुछ ही सील जो है वो एंजल फिश है ओनली अ फ्यू सम सम एंड नॉट नो एंजल फिश इज स्टिंग समिश्रे कोई भी एंजल फिश स्टिंग ग्रे नहीं है नो स्टिंग इज स्टार फिश कोई भी स्टिंग स्टिंग्रे जो है वो स्टार फिश नहीं है सारे फिशेस के नाम ही है याटिक एनिमल्स uh, के नाम है सम एंजल फिश आर स्टार फिश इज अ पॉसिबिलिटी कुछ एंजल फिश जो है वो स्टार फिश हो जाए कैसे पॉसिबिलिटी है तो हाँ हम हा, इसका सर्कल थोड़ा सा ऐसा भी कर दें क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा पॉसिबिलिटी बन सकती है आगे बोलता है ऑल सील कैन बी स्टिंगरे ऑल सील कैन बी स्टिंगरे सारे के सारे सील जो है वो स्टिंगरे बन सकते हैं कभी भी नहीं बन सकते क्योंकि सील का जो ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन इसका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है तो सारे के सारे सील कभी भी ये नहीं बन सकते ये तो गलत हो जाएगा ओनली वन फॉलोस जिसने बोला था जिसने बोला था कि मैम दोनों सही हो रहे हैं वो गलत हैं ठीक है अपना आंसर चेक कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शार्क हम है ना आपके सामने चलो ओनली अ फ्यू डॉल्फिन इज क्लाउन फिश सिर्फ कुछ ही डॉल्फिन जो है वो क्लाउन फिश है सम एंड सम नॉट ऑल क्लाउन फिश इज टर्टल सारे के सारे क्लाउन फिश टर्टल टर्टल है ओनली इज क्रैब का डायग्राम क्या बनेगा ऑल क्रैब इज टर्टल सारे के सारे क्रैब जो होंगे वो टर्टल होंगे और क्रैब का रिलेशन टर्टल के अलावा किसी के साथ भी नहीं हो सकता पहला तो गलत ही है कभी भी क्रैब का रिलेशन टर्टल के अलावा किसी के साथ भी नहीं हो सकता ऑल टर्टल कैन बी डॉल्फिन अगर मैं सारे के सारे टर्टल को डॉल्फिन के अंदर डालूंगी तो देखो टर्टल के साथ साथ क्रैब भी चला जाएगा ना अगर मैं इसको ऐसे कर दू डॉल्फिन को तो टर्टल के साथ साथ क्रैप भी चला गया लेकिन क्रैब का इसके साथ हम लोग रिलेशन कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते दैट मीन्स ये भी गलत नीदर कंक्लूजन वन नो और कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज क्लियर सबको अच्छा मेरे को बताओ किस किस के सिलॉग्स चारों के चारों क्वेश्चन एकदम करेक्ट बने हैं चारों के चारों जल्दी बताओ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ब्लड रिलेशन का खूनी रिश्ते का जल्दी से किसी को कोई डाउट है सेशन में तो पूछ लो ठीक है हिचकिचाना मत पूछ लो मेरे तीन सही हुए एक कहां पे गलत हुआ वो देख लेना यार है ना कहां पे एक की गलती रह गई काफी सारे के काफी सारे बच्चों के काफी सारे क्वेश्चन सही हुए हैं इट्स नाइस ऑल डॉल्फिन कैन बी टर्टल हो सकता था मैम अभी दोबारा से बता देती हूं ये वाला क्वेश्चन करो फिर बताती हूं लास्ट वाला गलत हुआ था ना चलो आप बोल रहे हो कि मैम ऑल डॉल्फिन कैन बी टर्टल हो सकता था हम बना के देख लेते हैं देखो ऑल डॉल्फिन कैन बी टर्टल हो सकता था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको इसके साथ मत रिलेशन uh, मत बिठाओ ऑल डॉल्फिन कैन बी टर्टल पॉसिबल था क्योंकि ये इसके अंदर जा सकता है अगर आपको सम नॉट का रिलेशन ही चाहिए तो डॉल्फिन का थोड़ा इस तरीके से कर दो और इसको डाक डाक कर दो इसको भूल जाओ तो भी पॉसिबल था लेकिन ये वाला गलत है आई होप आप क्लियर होगा अविनाश आपको ठीक है चलो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करते हैं टी इज द ओनली सन ऑफ एन जो है एन का एक लौता बेटा है ठीक है इसकी बेटी हो सकती है बेटा नहीं हो सकता. आर अनमैरिड है R का जीजा भी हो सकता है, पी uh, से है ना आर इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ पी यानी कि ये डेफिनेटली मैरिड होगा अगर इन दोनों में जीजा साले का रिलेशन है, है ना और ये एक ब्रदर है तो मतलब क्या होगा कि ये मैरिड होगा किससे इसकी बहन से ये जिससे भी मैरिड होगा उसका भाई कौन हो जाएगा एन हो जाएगा आर हो जाएगा सॉरी ठीक है जी इज द मदर ऑफ डब्ल्यू बट शी इज नॉट द स्पाउस ऑफ एन जी किसकी मदर है डब्ल्यू की आगे क्या बोलता है आर हु इज द unmarried ब्रदर ऑफ पी आर की बहन कौन है

बहन कौन होगी पेटर मतलब पापा के साइड की उसकी बहन कौन हो जाएगी एल इस तरीके से आगे बोलता है no single parent has a child. किसी भी अपने मुझे इसको बिठाना है तो मैं पी की पॉसिबिलिटी यहां सेट करके देख लेती हूँ ठीक है ये दो जनरेशन बची इन दोनों को इसके अंदर सेट करके देखेंगे तो जी यहां पे लगा देंगे ये मैरिड हो जाएगा टी से ये एल बन जाएगी और यहां पर डब्ल्यू बन जाएगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार क्या सभी का यही बना है क्या क्या सभी का यही बना है देख लो एक बार चेक कर लो मुझे मिनिमम पॉसिबिलिटी में बनाना था तो मैंने पी को इसके साथ मैरिड किया ऊपर वाली जनरेशन कंप्लीट हो गई इसलिए इसको हम लोगों ने सेकंड और थर्ड जनरेशन में डाल दिया ताकि हम चेक कर सके कि इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल इस फैमिली में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन के आंसर्स मुझे जल्दी से बताओगे आप लोग फिर मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ ठीक है? सिकता बना था क्या ये आज भी नहीं बना ब्लर नहीं है आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लो उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था सबने मदर ऑफ टी कौन है डीसीबी चलो देखते हैं हु अमंग द द इज़ मदर ऑफ टी टी की मदर कौन है पी है इफ के इज द ब्रदर ऑफ सी देन हाउ इज के रिलेटेड टू जी अगर के हो जाए ब्रदर ऑफ सी ब्रदर ऑफ सी अगर के हो जाए ब्रदर ऑफ सी तो के जी से कैसे रिलेटेड है तो जी का क्या बन जाएगा ये जी का बन जाएगा डॉटर इन लॉ का ब्रदर ब्रदर ऑफ daughter इन लॉ सी हो जाएगा हाउ इज एल रिलेटेड टू आर एल जो है वो आर से कैसे रिलेटेड है देखो आर का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया आज नहीं बना सिक्ता समझ में तो आ गया आपको या कोई डाउट है ब्लर दिख रहा है बीच बीच में रेजोल्यूशन पूरा कर है क्या आपने अपने फोन से ब्लर हो रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कैमरा का इश्यू है एक दिन दो यार इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करके ना सही कर देंगे बस एक दिन और दो आज आज मैनेज कर लो क्या बोलता है सिक्स बॉटल्स है अपने पास पी हैज मोर देन आर बट लेस देन टी पी के पास मोर देन आर है लेकिन लेस देन टी है ठीक है एस हैज मोर देन आर बट लेस देन टी एस के पास भी मोर देन आर है बट लेस देन टी है विच डज नॉट हैव द दाइएस्ट क्वांटिटी इसके पास हाइएस्ट नहीं है ऑफ वॉटर यू हैज मोर देन क्यू हू हैज लेस देन आर क्यू का लेस देन आ रहा है लेकिन Q से ऊपर U आएगा मुझे नहीं पता कहाँ पे आएगा तो एक दो तीन चार पाँच छः पूरी हो चुकी हैं अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहोगे तो U अपने पास सिर्फ यहीं आ सकता और कहीं पे नहीं आ सकता है ना अपने पास छह बॉटल्स थी हमने बाकी सबको अरेंज कर दिया एक पोजिशन अपनी बची तो यू यू को मैंने सबसे ऊपर लगा दिया पी और एस का क्या कुछ दे रखा है देख लेते हैं पी और एस का कुछ नहीं दे रखा ना कोई बात नहीं

ऐसे ही था ना है ना सेकंड लोएस्ट के पास 120 था और 155 किसी के पास भी नहीं है यही बोलता है क्या सबका सेम बना है क्या देखो ओके okay. क्वेश्चंस देख लो व्हाट मे बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉटल यू यू में कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा देखो 150 से ऊपर ऊपर का ही होगा है ना 150 से ऊपर का होगा तो सारे ऑप्शंस ही 150 150 से ऊपर के हैं दैट मीन्स ए और बी आप टिक कर सकते हो आंसर को है ना अपन कोई एक टिक तो नहीं कर सकते ना ए और बी टिक कर दो सभी बीच में इंक्लूड हो गए इफ द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉटल आर एंड पी इज टू आर और पी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो टू फिफ्टी mm है 255 तो 255 में से मुझे 120 माइनस करना पड़ेगा मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा सेवेंटी फाइव आ गया ना एक मिनट टू फिफ्टी फाइव है ना मेरे पास गलत कर दिया ना मैंने वन थर्टी फाइव हो जाएगा वन थर्टी फाइव अपने पास क्या आ गया टी का अब क्या बोलता है एंड डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ बॉटल यू एंड टी इज तीन सौ चार टी अपना है डेढ़ सौ तो डेढ़ सौ यानी कि डेढ़ सौ और लगा लो और चार और लगा लो कितना हो गया 154 फिफ्टी कि, फोर किसका हो जाएगा यू का सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ यू एंड पी और पी की क्वांटिटी पूछता है तो कितनी हो गई 289 कितनी हो गई 289 ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉटल्स आर एंड टी आर और टी की बॉटल्स के अंदर कितनी क्वांटिटी का फर्क है 120 और 150 में कितनी क्वांटिटी का फर्क है 30 एम क्या सभी के तीनों के तीनों क्वेश्चंस एकदम करेक्ट बने हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के परफेक्ट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने पास आता हुआ पजल का है ना तो इसका कुछ करना पड़ेगा स्टॉप वॉच तो हमारी हिलेगी नहीं ना कहाँ लगाए इसको बिना टाइमर के कर लोगे क्या तुम लोग स्टार्ट करो वट जस्ट हैपन्ड ये क्लिक हो गया मुझसे मैम गुड न्यूज़ है फेडरल बैंक पीओ में हो गया कॉलेज प्लेसमेंट फाइनली सो हैप्पी थैंक यू आप के सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट देखा था थैंक यू अविनाश एम बी एन मार्केटिंग था थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बहुत अच्छा अच्छा करो बहुत अच्छा अच्छा ग्रो करो तुम लोग है ना क्या था? वो रिंग था अच्छा भी, ये भी नहीं हटेगा क्या अपन बिना टाइमर के करते तो हैं यार मैं इसका कोई सोल्यूशन निकालती हूं मुझे समझ नहीं आ रहा है टेन पर्सन हैं जो कि डिफरेंट डेट्स पे uh, क्या करते हैं क्या करते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं एंड मंथ uh, अपने पास है जनवरी मई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर यही मंथस है ना अपने पास नाइन्थ एंड इलेवेंथ स्टार्ट करते हैं बोलता है टी अटेंड्स थ्री पर्सन बिफोर एन हु अटेंड्स आफ्टर ऑगस्ट ऑगस्ट के बाद अटेंड करता है कौन एन अब यहां पे देखो थ्री पर्सन बिफोर थ्री पर्सन आफ्टर है ना थ्री पर्सन बिफोर थ्री पर्सन आफ्टर का मतलब क्या होता है कि एन जो है उससे वन टू थ्री थर्ड पोजिशन पे हम लोग टी को लगाएंगे थर्ड पर्सन टी होगा लेकिन अगर बोला जाए थ्री क्लियर होगा किया है, का मतलब क्या अक्टूबर मतलब में और किस में कर सकता है डिसंबर में कर सकता है यू अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर एन एन के इमीडिएटली बाद कौन आएगा यू आएगा देखो एन को लगा देंगे यू को लगा देंगे है ना

Uh, किससे तीन पर्सन में है एन से तो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन अब टी और आर के बीच में कोई भी नहीं है दैट मीन्स यू और एस के बीच में एक हो जाएगा अब एस ऊपर भी आ सकता है एस नीचे भी आ सकता है टी और आर के बीच में दो है मतलब यू और एस के बीच में कितने होंगे तीन एक दो तीन नहीं बन पाएगा टी और आर के बीच में एक दो तीन चार हैं दैट मीन्स यू और एस के बीच में पांच होंगे एक दो तीन चार पांच कितना हो गया एस

के बीच में अच्छा ये तो कैंसिल था ना सॉरी चलो ओ और क्या था अपने पास एल था ना एल को रखेंगे एक दो तीन चार नहीं आ सकता ओ एल को रखा मैंने एक दो तीन चार ओ आ सकता है एल को रखा एक दो तीन चार नहीं आ सकता आगे क्या बोलता है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एन एंड एल इज सेम एज बिटवीन आर एंड पी एल और एन के बीच में एक है आर और पी के बीच में एक हो जाएगा एल और एन के बीच में एक दो तीन चार पाँच है एक दो तीन चार पांच नहीं बन पाएगा पी एंड क्यू आर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस इन डिफरेंट मंथ क्यू यहां पे आ जाएगा बचा कौन पी क्यू आर एस टी कौन बचा यू टी यू नहीं दोबारा पी क्यू आर एस टी यू एल एम एम बच गया क्या सबका सेम बना है बता दो एक बार सबका सेम बचा है चलो क्वेश्चन बनाओ इसके आज हम बिना टाइमर के करेंगे तो क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइमर में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आई डोंट वॉन्ट कि आपका टाइम वेस्ट हो है ना कल से हम लोग टाइमर के साथ पूरा करेंगे कल के मैराथन में जल्दी से आंसर्स दो चलो स्टार्ट करते हैं

क्यू डेट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्योंकि मंथ तो सारे इकतीस वाले हैं ना ये इलेवेंथ पे है बाकी दो नाइन्थ पे है बाकी भी चेक कर लेते हैं द वन हो अटेंड्स इमिडियटली बिफोर यू एंड टू आफ्टर एन इमीडियटली बिफोर यू टू आफ्टर एन तो क्यू एक लौता ऐसा इंसान है जिसने एलेवंथ डेट को कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है बाकी सब ने नाइन्थ को करी है ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है एन एंड ओ आर अटेंडिंग इन द सेम मंथ ऑन नहीं होता इन होता है इन द सेम मंथ देख लेते हैं एन और ओ हमारे डिफरेंट मंथ में है क्यू एंड पी आर अटेंडिंग ऑन द सेम डेट क्यू इलेवंथ पे है पीकअप था पी था नाइन्थ पे नो वन अटेंड आफ्टर ओ ओ के बाद कोई भी अटेंड नहीं करता ओ के बाद तो क्यू आ रहा है टू पर्सन आर अटेंडिंग बिटवीन आर एंड एन आर और एन के बीच में दो पर्सन है आर और एन के बीच में तीन पर्सन है लास्ट वाला ही बचा है एम अटेंड इमीडिएटली बिफोर आर ठीक है ये वाला तो सही है लास्ट बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑन 11th जनवरी देख लो 11th जनवरी एम करता है या इमीडिएटली बिफोर आर करता है ऑप्शन नंबर ई क्या सबके पांचों के पांचों सही बने हैं सवाल जिसको भी सेशन पसंद आ रहा है फटाफट से सेशन को लाइक कर दो यार है ना सेशन को लाइक कर दो जिसको भी सेशन पसंद आ रहा है और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कोई भी अभी ज्वाइन नहीं कर पाया है नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा वाह एक बार और आता हुआ। तो कल है हमारी ये लाइव रहने वाला है कल पक्का से सब लोग ज्वाइन कर लेना अपनी अटेंडेंस लगा दोगे क्या सब लोग अटेंडेंस लगा दोगे सब लोग बता दो एक बार कि यस मैम आएंगे आओगे ना आना पड़ेगा ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिना टाइमर के करेंगे है ना आप लोग अपनी स्पीड uh, से करेंगे और मुझे डन लिखेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है टाइम शायद सुबह दस बजे से है आई थिंक टाइम इज फ्रॉम आई एम रियली सॉरी टाइम इज फ्रॉम टेन ऑनवर्ड्स सुबह दस बजे से बाकी फिर भी आई विल कंफर्म आग लगा देंगे कल यस yes, आग लगा देंगे कल <coughs> बन गया चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पास सिक्स पर्सन है एक सर्कुलर टेबल में सारे के सारे सेंटर फेस कर रहे हैं और कुछ कुछ फ्रूट्स पसंद है इनको और सारी के सारी इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में सबसे पहले छह पर्सन हम लोग बना लेंगे है ना उसके बाद बोलता है आर सिट्स टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स चेरी चेरी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है

को यहां रखेंगे एक दो तीन पी नहीं आ सकता पीच को यहां रखेंगे एक दो तीन पी नहीं आ सकता पी को पीच को यहां रखेंगे एक दो तीन पी आ सकता है ठीक है यहां रखेंगे एक दो तीन पी नहीं आ सकता इसमें देख लेंगे यहां पे नहीं आ सकता पी पीच को यहां रखा एक दो तीन पी आ सकता है यहां पे आ सकता है पीच को यहां रखेंगे एक दो तीन पी नहीं आ सकता पीच को रखेंगे एक दो तीन पी नहीं आ सकता और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो P और पी आगे क्या बोलता है पी एस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी आगे द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड पी इज सेम एज बिटवीन एस एंड क्यू आर और पी में दो दो पर्सन हैं एस और क्यू में मतलब आमने सामने डाल दो, दो दोनों को एस और क्यू में ये बन जाएगा ये नहीं बन पाएगा ऐसे ही बनेगा चलो आगे क्या बोलता है नहीं एस और पी में बोला था ना आर और पी में सॉरी सॉरी इसमें अलग था ना आर और पी में अपने पास एक पर्सन यहां से देखेंगे तीन पर्सन यहां से देखेंगे अगर अपने को क्यू डालना है एक पर्सन एस और क्यू को डालना पड़ेगा ना एक पर्सन छोड़ेंगे यहां आ सकता है तीन पर्सन छोड़ेंगे यहां आ सकता है एक पर्सन छोड़ेंगे यहां आ सकता है तीन पर्सन छोड़ेंगे यहां आ सकते हैं क्यूँकी दो पॉसिबिलिटीज बन रही है इसके अंदर टी सी इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज ऑरेंज के इमीडिएट राइट में कौन है टी देखो ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी नहीं आ सकता ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी नहीं आ सकता ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी आ सकता है सिमिलरली यहां पे देखेंगे ऑरेंज के इमीडिएट राइट टी नहीं आ सकता ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी आ सकता है क्लियर तो टी यहां आ गया तो क्यू यहां पे आ जाएगा कैंसिल कर दो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक्स बनाना एंड आर इज सेम एज बिटवीन पी एंड एस वेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी लेफ्ट ऑफ पी से एस में जाएंगे कोई भी पर्सन नहीं बैठा यहां पे भी कोई भी पर्सन नहीं बैठा दैट मीन बनाना और आर में भी कोई भी पर्सन नहीं बैठेगा आर यहां पे है तो बनाना यहां बन जाएगा आर यहां पे है बनाना या तो यहां या तो यहां ना तो क्यू ना तो यू को मैंगो पसंद है मैंगो तो इसको पसंद हो जाएगा अगर मुझे लेफ्ट से देखना है मुझे लेफ्ट से देखना है बनाना और आर और मुझे देखना है क्या पी और एस पी के लेफ्ट में एस है तो दैट मीन्स बनाना के लेफ्ट में आर होना चाहिए ऐसा कुछ है बनाना यहां पे भी आ सकता है यहां पे भी आ सकता है लेकिन वो बोलता है ना तो क्यू ना तो यू को मैंगो पसंद है बट मैंगो के लिए भी ये दो जगह ही बच रही है दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये अपना एकदम करेक्ट बन जाएगा कि सबका सही बना है क्या यू क्यू आर टी पी एस यू क्यू आर टी पी एस करेक्ट है एकदम सबका चलो क्वेश्चंस देख लो इसके जल्दी से क्वेश्चन के आंसर्स बताओ फिर हम लोग करते हैं खुशबू क्या समझ में नहीं आया आंसर्स बताओ गलत हो गई बैंकर्स इन साइट कहां गलती हुई ये बताओ कहां से गलती हुई लेफ्ट राइट बिठाने में गलती हुई थी क्या हाँ, लेफ्ट राइट में हुई ना तो बस वही चीज है आप एक बार क्या किया करो आपको अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है ना मैम मेरा गलत हुआ है जस्ट उस पॉइंट से ना दोबारा से चेक करके देख लिया करो फिर ऐसा ना हो कि पांचों के पांचों अगले वाले क्वेश्चन गलत हो जाए अपने है ना स्टार्ट करते हैं हाउ मेनी पर्सन बिटवीन टी एंड वन हु लाइक्स मैंगो टी के लेफ्ट से स्टार्ट करना है टी और मैंगो में एक ही पर्सन बैठा है ऑप्शन नंबर वन You को कौन सा फ्रूट पसंद है यू को चेरी पसंद है ऑप्शन नंबर ए ए आ रहा है क्या देखोगे एक बार यू को चेरी पसंद है क्या हाँ, सही आ रहा है ना बी आ रहा है क्या हाँ चेरी पसंद है ना आप लोग आंसर बी क्यों दे रहे हो फिर आगे देखो हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी टी के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है एक दो तीन यू चेरी वाला द वन हु लाइक्स चेरी डी बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो एकदम सही बन रहा है देखो टी ऑरेंज एस मैंगो देखो टी ऑरेंज एस मैंगो टी ऑरेंज नहीं एस मैंगो एस मैंगो तो सही बन रहा अपना आर पीच आर बनाना आर पीच आर बनाना नहीं है क्यू चेरी भी नहीं है एस मैंगो अपना एकदम करेक्ट बन रहा है आगे देखेंगे सारे के सारे पर्सन को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठा देंगे फ्रॉम पी तो कौन सा ऐसा पर्सन होगा जिसको एप्पल पसंद होगा और फ्रूट की हमने पोजिशन चेंज नहीं करनी है पी से बिठाएंगे तो पी से बिठा दो पी क्यू आर टी टी पे आएगा एप्पल पे ऑप्शन नंबर चल क्यों नहीं डी सबका डी आया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से आप लोग डन करेंगे उसके बाद मैं स्टार्ट करवाऊंगी सॉल्व करवाना स्टार्ट करो डन क्वेश्चंस भी कर लो इसके है ना फिर स्टार्ट करते हैं सॉरी <coughs> खुशबू अभी मैं बनाऊंगी तो साथ साथ बनाना ठीक है फिर ई ज्यादा लग रहा है स्टार्ट करें क्वेश्चन यार एक चीज बताओ एक चीज बताओ फटाफट से जितने लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा जोश तो बरकरार है ना जोश दगमगाया तो नहीं ना तुम्हारा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका मॉरल एकदम से डाउन होता हुआ दिख रहा है मुझे सबका मॉरल मुझे डाउन होता हुआ दिख रहा है अगर जोश हाई है अगर जोश हाई है तो बताओ यस मैम जोश हाई है सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं और अभी जितना भी सेशन और आगे चलेगा अभी तो एक मॉक टेस्ट खत्म नहीं हुआ अभी तो कितना ही मॉक टेस्ट अपना पड़ा है तो इसलिए मैदान छोड़ के भागना नहीं है चैलेंज आएगा उसको फेस करना है बहुत अच्छे से फेस करना है अगर चैलेंज से दूर भाग गए तो बस एग्जामिनेशन आके तुम्हें हवे की तरह डराएगा और तुम डर जाओगे बेटा मेंस की क्लासेस ले नहीं हो रही क्योंकि हमारा प्रीलिम्स अभी सर पर हैस बी आई पी है ना तो जैसे ही थोड़ा सा एस बी आई पी का माहौल खत्म होगा फिर मेन्स मेन्स की तो जाए मेन्स के ऑलरेडी बहुत सेशन लिए हैं हम लोगों ने तो आई होप उससे भी आपको हेल्प मिल रही है बट जल्दी ही रिज्यूम हो जाएगा है ना बता दो हाई है ना चलो ट्वेल्व पर्सन आर सिटिंग ऑन टू पैल रोज ऑपोजिट टू इच अदर रो वन में अपने पास कौन कौन बैठ रहा है ए बी सी डी ई एफ साउथ वाले हैं ये है. तो सबसे पहले है ना इसको लिख, लिख लिया करो फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती और p q r s t ये अपने पास नॉर्थ वाले होंगे इस तरीके से बिठाना है ऐसे लिख लोगे पक्का कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ऊपर नीचे की नहीं होगी बोलता है r sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ t r बैठा है नीचे t के एक दो 3 t से एक दो 3 बन गया r एट लीस्ट वन पर्सन सेट टू द राइट ऑफ t t के राइट right में एटलीस्ट एक पर्सन तो है अपने को चाहिए चाहिए 6 एक एक अगर मैंने इधर बना दिया, पॉसिबिलिटी तो दो वाली भी तो हो सकती है एक दो तीन चार पांच या तो एक इधर बना दो या एक इधर बना दो, दोनों पॉसिबिलिटी में अपन लोग काम करेंगे। अपने पास ई है साउथ फेसिंग राइट इधर बनेगा छो पर्सन है ये सेकेंड टू द राइट ई है बाकी पर्सन कंप्लीट कर दो आगे बोलता है ओनली वन पर्सन बिटवीन ए एंड सी अब यहाँ पे भी आ सकता, यहाँ पे भी आ आ सकता सकता है, है, पे कितने हैं? तो B के राइट में भी चार होंगे एक दो तीन चार बी यहाँ पे आ गया यहाँ तो नहीं बना सकते ना एक मिनट लेफ्ट ऑफ सी एज टू द राइट ऑफ बी अगर मैंने बनाया देखो सी को यहाँ पे तो बी यहाँ पे आ जाएगा अगर मैंने बनाया सी को यहाँ पे

के थर्ड टू द राइट में एस है और यू और पी बी के ऑपोजिट नहीं है बी के ऑपोजिट नहीं है यू यहां लगाया एक दो तीन डी एफ जो है डी के राइट right में है डी के राइट right में हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एस अच्छा डी ऑपोजिट टू एस नहीं है और यू ऑपोजिट टू बी नहीं है एक मिनट एक एक चीज चेक करते हैं कहां से गलत हुआ एक मिनट रुक जाओ यार कुछ लाइन मैंने पक्का पक्का गलत पढ़ ली होगी यहाँ पे देख देखते हैं एफ सेट थर्ड टू द राइट ऑफ यू यू बी के सामने नहीं बैठेगा ओनली वन पर्सन बिटवीन ई एंड सी द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी एज टू द राइट ऑफ बी ये भी सही है ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी भी सही है एस सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू यू और पी ऑपोजिट टू बी नहीं बैठेंगे साथ ही साथ एफ सिट्स टू द राइट ऑफ डी डी के राइट में क्या गलत हुआ था यार वन पर्सन बिटवीन ई एंड सी ई और सी के बीच में एक ही पर्सन है डज नॉट ऑपोजिट टू डी एस के ऑपोजिट नहीं बैठेगा ना कहाँ से गड़बड़ हुआ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है लेट्स जस्ट चेक दोबारा से mm,

वन पर्सन बिट्वीन ई एंड सी है ना तो सी को यहां लेके देख लो यहाँ पे लेके देख लेते हैं बी यहां पे ठीक है यहाँ पे ए आ जाएगा अब करके देखते हैं एफ सिट्स टू द राइट ऑफ डी अब यू और एस के बारे में यू यहां पे नहीं आ पाएगा यू यहाँ आ जाएगा एस यहाँ पे आ जाएगा पी यहाँ नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा क्यू अब करेक्ट है देखो फर्स्ट कंडीशन में बन जाता बस सी और ई e का हम लोगों ने पोजीशन चेंज कर देना था चलो क्वेश्चन करते हैं पहला हाउ मेनी पर्सन बिटवीन बी एंड द वन हू सिट्स ऑपोजिट टू टी टी के ऑपोजिट में और बी में कितने पर्सन है तीन पर्सन है ऑप्शन नंबर ए फोर ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर तो हमें बताना ऑड वन आउट इसमें देख लेंगे कितने पर्संस है या लेफ्ट राइट कैसे हैं बी ए ई सी बी ए सेकंड टू द लेफ्ट ई सी सेकंड टू द लेफ्ट या एक पर्सन है आर पी आर पी में भी एक पर्सन है और

टी सर्ट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस टी जो है एस के इमीडिएट लेफ्ट में है बी एंड एस आर डाइग्नली ऑपोजिट टू ईच अदर डायगनली ऑपोजिट ही है तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है नन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट पर्सन सिट एक्जैक्टली बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन मतलब पहला वाला मिडल में बैठेगा बी एफ ए पी टी एस देख लेते हैं बी बीच में होना चाहिए बी एफ ए नहीं पी टी एस पी बीच में नहीं है और कौन सा था अपने पास ए एफ ई था शायद ना तो ए तो सेंटर में ही है फॉर ई e के ठीक है ओनली ऑप्शन नंबर ए एफ ई फर्स्ट पर्सन सीट एग्जैक्टली बिटवीन ओनली थर्ड सी आ रहा है क्या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बनाओ टैबुलेशन बेस्ड है अच्छा क्वेश्चन है पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अमनदीप मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है है ना इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी वो उसको एक बार सुन लेना आपको क्लियर हो जाएगा बाकी जितने भी चीज़ें होती हैं वो आपके एडमिट कार्ड पे दी होती हैं कि क्या क्या लेकर जाना है फिफ्थ को मेंस है मुझे पता है फिफ्थ को मेंस है मेरा भी है अमन सिंह एक बार जो पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस करवा रखी है ना आप एक बार वो करनी स्टार्ट कर दो है ना क्योंकि प्रिलिम्स भी आ, हाँ पूजा ये पजल कंफ्यूज करती है लेकिन आजकल एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है काफ़ी ज़्यादा मैं समझ गई हूँ टेन डे हार्ट चैलेंज वाला डे फाइव हम लोगों ने इसलिए उसको होल्ड पे रखा क्योंकि आपका प्रिलिम्स एग्जामिनेशन भी है है ना तो लेट मी सी कि, कि कल हो पाता है या नहीं हो पाता है क्योंकि कल तो मैराथन है ना होगा तो पक्का शाम को छः बजे करवा दूंगी नहीं तो फिर नेक्स्ट डे जिसका भी आंसर आ जाए आप लोग मुझे बकायदा लिख के बताओगे कि मैम ये आंसर आया परचेज में ये आया मैन्युफैक्चरिंग में ये आया सेल्स में ये आया ठीक है जल्स के अप्रोच सीखेंगे आज है ना अमनदीप आप प्लीज वीडियो देख लेना और अपने एडमिट कार्ड पे देख लो आपको क्लियर हो जाएगा अमन सारी वीडियोस आपने देख ली कोडिंग रिकॉर्डिंग वाली डन हो जाए तो बताना क्वेश्चन भी देख लो इसके जिसका हो चुका है मुझे आप लिख कर बताएंगे परचेज में ये पर्सनस आए हैं मैन्युफैक्चरिंग में ये आए हैं और सेल्स में ये आए हैं ठीक है सभी लोग लिख के बताएंगे सेलिंग में क्यू एल मैम हाफ बना है सेलिंग में क्यू एल आ रहा है ठीक है सेलिंग में क्यू एल आ रहा है क्या सबका मार्केटिंग में क्यूएल आ रहा है ओके okay. स्टार्ट करें बैंकर्स इनसाइट मैं अभी बनवाऊंगी साथ साथ बना लेना ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं टेन पर्सेंस है जो कि कुछ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं परचेज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स और एटलीस्ट तीन पर्सेंट तो सभी में हैं एटलीस्ट का मतलब क्या है तीन 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 तो सब में है अपने पास दस का मतलब एक में चार हो जाएगा एक डिपार्टमेंट में चार होगा और दो डिपार्टमेंट में तीन होंगे आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी तो सबसे पहले परचेज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ठीक है देख लेंगे कितनी पॉसिबिलिटी बनती है वैसे हम लोग दो में काम करने की कोशिश करेंगे तीसरी बनेगी तो बना देंगे स्टार्ट करते हैं जेन ईदर वर्क्स इन सेल डिपार्टमेंट नॉर विद एल ना तो सेल में काम करेगा ना एल के साथ काम करेगा मतलब परचेज में और मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकता है कौन जे ठीक है अब एल के साथ काम नहीं करेगा तो जे और एल डिफरेंट हो जाएंगे आगे बोलता है क्यू वर्क अलॉन्ग विद एल बट नॉट इन द परचेज डिपार्टमेंट क्यू वर्क विद एल क्यू और एल इसमें तो नहीं आएंगे है ना दैट मीन क्यू और क्यू और एल इसमें आ सकते हैं इस अकॉर्डिंग इसमें आ सकते हैं है ना दो पॉसिबिलिटीज बना दी इसी की मैंने दो पॉसिबिलिटीज बनाई की पॉसिबिलिटी कहां पे नहीं आ सकते परचेज में नहीं आ सकते जे के साथ नहीं आ सकते तो QL यहां पे आ जाएंगे. अब है तो क्यू एल यहां पर आ गए ओ नीदर वर्क विद विद क्यू ना तो जे के साथ काम करेगा ना क्यू के साथ ना जे के साथ ना क्यू के साथ ना जे के साथ ना क्यू के साथ वेयर एज ओनली टू मोर पर्सन वर्क अलॉन्ग विद ओ यानी कि ओ जिस डिपार्टमेंट में काम करेगा उसके अंदर तीन पर्सन होंगे ठीक है चार नहीं होंगे बाकी इन दोनों में से किसी में भी चार हो सकते हैं एम वर्क इन द डिपार्टमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन अलॉन्ग विद आई मतलब एम और आई उस डिपार्टमेंट में काम करेंगे जिसमें चार पर्सन है एम और आई उस डिपार्टमेंट में काम करेंगे जिसमें चार पर्सन है बट नॉट इन द सेल्स डिपार्टमेंट इसमें नहीं आएंगे एम और आई इसमें नहीं आएंगे इसमें आ, इस आ सकते हैं इसमें आ सकते हैं ठीक है, कैंसिल कर दो एन वर्क अलॉन्ग विद पी बट नीदर विद ओ नॉर क्यू ना तो ओ के साथ ना क्यू के साथ N और P काम करेंगे, के 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 साथ Q के साथ, के साथ Q के साथ, ना तो क्लियर अब अपने पास कौन सा बच रहा है एम और आई एम और आई जो है वो हाइस्ट डिपार्टमेंट वाले में काम करेंगे लेकिन सेल्स में काम नहीं करेंगे दैट मीन्स अपने पास क्या आ जाएगा यहां पर डाल सकते हैं कंप्लीट करने के लिए के बारे में कुछ और बोला हुआ था? देखो, में नहीं आ सकता, में हम डाल नहीं सकते डालूंगी एम को तो यहाँ पे कैंसिल कर दो क्योंकि हमें चार पर्सन चाहिए जिस डिपार्टमेंट में एम काम कर रहे हैं इसमें नहीं आ सकते पांच बन जाएंगे इसमें नहीं आ सकते तीन बनेंगे इसमें तो आ ही नहीं सकते दैट मीन ये हमारी पॉसिबिलिटी एकदम करेक्ट हो गई बचता कौन है के और आर क्लियर है सबको खुशबू आपने बोला था शायद अब बनता नहीं है अब मेरे को एक बार बताओ कि अब चीजें क्लियर हुई इस क्वेश्चन से या नहीं हुई अप्रोच आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे इतना बता दो बस है ना जिसको आज से पहले क्वेश्चन समझ नहीं आता था क्या आज उसको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस तरीके से हमें अप्रोच करना है कैंसिलेशन करना है एलिमिनेशन यूज करना है क्वेश्चन बन जाएगा फर्दर क्वेश्चन देखो इसके अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्यू एल एम आई काम करते हैं एल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाउ मेनी पर्सन इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट चार थे मोर देन थ्री है ना क्यू एल एम आई थे ना के किस में काम करता है लास्ट वाले में शायद सेल्स था सेल्स ऑप्शन नंबर बी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आर और पी सेम डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे नहीं कर रहे मुझे लगता है जे एन और पी था एन और के जो है मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर रहे एन और जे जो है मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर रहे मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं कर रहे एन और के बोलता अच्छा हाँ के भी नहीं कर रहा जे वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट विद एन सेकेंड और थर्ड ठीक है क्या इसका बोथ सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर डी फॉलोइंगू एल आए क्यू एल आए ऑप्शन नंबर बी क्लियर है सबको आई होप सबको बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें क्लियर होंगी एक मॉक टेस्ट हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है पूरा मॉक हम लोगों ने कर लिया मेरे को छोटा सा एक आपसे रिव्यू चाहिए आप लोगों का छोटा सा स्कोर कार्ड चाहिए मुझे अभी के अभी सब लोग बताएंगे कि, कि किस किसके फुल मार्क्स आए हैं है ना हु मार्क्स एंड एक क्वेश्चन किसका रॉन्ग हुआ है इससे ज्यादा तो अपन कर ही नहीं पाएंगे है ना और क्या सबको समझ में आ गया एकदम हर एक चीज क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है अगर सेशन अच्छा लगा है अभी तक यहां तक पहला मॉक टेस्ट अच्छा बना सबका बढ़िया बना एक बार थर्ड लास्ट वाला प्लीज करवा देती हूँ सकर श्रीवास्तव अभी करवा देती हूँ एक बार सब लोग बता दो सबको समझ में आ रहा है अगर सबको समझ में आ रहा है सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो ना यार लास्ट पजल नहीं बना था आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा लास्ट थर्ड वाला मैं बता दूं आपको ये वाला पूछ रहे हो क्या कौन सा पूछ रहे हो सकर लास्ट थर्ड कौन सा पूछ रहे हो आप मेरे से लास्ट थर्ड लास्ट थर्ड वाला प्लीज गोला दे दिया आपने गोला कहाँ दिया बताओगे नहीं जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी है ना थर्ड लास्ट वाला पूजा आज ही प्रॉपर सेटअप हुआ आप लोगों को पता होगा कल पूरा दिन इसी में गया है ना तो वी आर ट्राइंग कि इसके थोड़े से कलर्स और फोकस सब कुछ ठीक हो जाए आई एम होपिंग कि आज रात को हम ये थोड़ा सिस्टम सेटअप कर लेंगे और कल आपको जो क्लास होगी वो एकदम करेक्ट दिखेगी प्लीज आज आज, आज थोड़ा सा मैनेज uh, कर लो है ना हमारे लिए भी नया सिस्टम है हमें भी समझ नहीं आ रहा सकर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया अगर आप अभी इस क्लास में प्रेजेंट हो तो बता देना हम लोग नेक्स्ट मॉक मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट से सब लोग बनाएंगे सिलोजिज्म का पहला क्वेश्चन बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना मैम पैरल पजल प्लीज पैरल पजल करवा तो दी तुम्हें विच ऑफ दिस इज ट्रू आउट ऑफ थ्री अच्छा ये करवा देती हूँ ठीक है करवा देती हूँ लास्ट सेकेंड हुआ ना ये तो क्या बोलता है हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है बोलता है बोथ आर एंड पी वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट क्या यह सही है आर और पी जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं ये सही नहीं है ठीक है नीदर एन नर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एन एन और के काम नहीं कर रहे तो डेफिनेटली एन कर रहा है परचेजिंग में और के कर रहा है सेल्स uh, में मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कर रहे मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है एकदम सही बन जाएगा जे वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट विद एन जे और एन सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे परचेज में इसलिए बोथ सेकेंड एंड थर्ड हमारा करेक्ट हो गया आई होप अब आपको क्लियर होगा ठीक है पजल समझ में नहीं आती मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया पजल का आई होप वो क्लियर होगा अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी पैरल पजल आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी आई एम होपिंग दैट मुझे भी नहीं पता कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं ना आई होप कि आ जाए नहीं आई तो फिर जो एक कभी करवाई है वो कर लेना अच्छे से यार आंसर बताओ सब लोग डी आंसर आ रहा है चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकली फॉलोज सबसे पहले फ्यू लाइंस आर रोज फ्यू का मतलब क्या होता है सम फ्यू का मतलब क्या होता है सम कुछ लाइन्स जो हैं वो रोज हैं ओनली अ फ्यू रोज आर पैरल सिर्फ कुछ ही रोज जो है वो पैरल है नो हॉरिजोंटल इज लाइन कोई भी हॉरिजोंटल जो है वो लाइन no नहीं है बोलता है टल सारी के सारे रोज हॉरिजोंटल है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती Some lines are parallel. हो भी सकती है नहीं भी हो सकती सबका आया है Next question बनाएंगे। second mock सबका एकदम सही बनना चाहिए, सबका, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए पैरल में टाइम लग, जा, लग जाता है तो आप कोशिश करना आपका नाम है ऋषिका आप कोशिश ये करेंगे कि जब भी जब भी आप लोग पेपर में अटैम्प्ट करेंगे करेंगे पैरेलल वाली पजल लास्ट में कर लेना क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं बचाना कि आप लोग बहुत ज्यादा पैरेलल वाली पजल प्रैक्टिस कर सको <coughs> ए आंसर आ रहा है स्टार्ट करते हैं ओनली अ फ्यू बॉन्ड्स आर एग्रीमेंट्स सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स हैं नो कंडीशन इज बॉन्ड फ्यू एग्रीमेंट्स आर पॉइंट्स कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो पॉइंट्स हैं

आइदर और का केस इसलिए नहीं लग रहा पहली बात तो एक अपना कंक्लूजन एकदम करेक्ट हो चुका है और आइदर और का केस कभी भी कभी भी पॉसिबिलिटी वाले केस में नहीं लगता वो डेफिनेट केस में लगता है जब सम और नो अपने पास डेफिनेट हो है ना डेफिनेट केस में लगेगा पॉसिबिलिटी वाले केस में नहीं लगता कैमरा हिल रहा है क्या यार ये अपने आप ही मूव करता रहता है अपने आप ही फोकस इन आउट करता रहता है तो इसको भी समझना पड़ेगा ना कैमरा मैन आदत डाल लो मेरी रोज आऊंगी मैं यहाँ पे क्लियर है सबको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं ओनली अ फ्यू बिस्किट्स आर चिप्स सिर्फ कुछ ही बिस्किट्स जो हैं वो चिप्स हैं सम एंड सम नॉट सम चिप्स आर पॉपकॉर्न नो पॉपकॉर्न इज अ केक सम पॉपकॉर्न आर बिस्किट कुछ पॉपकॉर्न जो है वो बिस्किट है. No है, है मुझे तो नहीं दिख रहा पॉसिबिलिटी हो सकती है डेफिनेट नहीं है सम चिप्स आर नॉट केक कुछ चिप्स जो है वो केक नहीं है तो डेफिनेटली चिप्स का ये वाला पोर्शन है चिप्स का जो ये वाला पोर्शन है कभी भी केक नहीं हो सकता ये ठीक है ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज ऑप्शन नंबर सी क्या सबका सी आया है वेरी गुड अभी मेरे को सब लोग बता दो क्या सबके सब, सब? करेक्ट बने एकदम सभी के सभी बच्चों के सिलॉग्स एकदम करेक्ट बने हैं नेक्स्ट चलेंगे इन पे इन इक्वालिटीज पंद्रह सेकेंड में सवाल खत्म है अगर किसी को पंद्रह सेकेंड से ज्यादा लग रहे हैं तो देख लो थ्री बाय नहीं होता या टू बाई थ्री होता है या थ्री बाई थ्री होता है फोकस 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 हिल गया रुको यार। अब आ गया ना फोकस चलो अब देखो गलती से लिख दिया कोई बात नहीं अब ठीक है ना आंसर आ रहा है सी डी आ रहा है मैम हाउ टू लेसन माय टाइम इन हाउ टू लेसन माय टाइम इन टाइम अंडर टू मिनट्स इन थर्टी सेकेंड्स इन नॉर्थ साउथ पजल्स इट्स टेकिंग थ्री मिनट्स इन थर्टी सेकेंड्स ऑन एन एवरेज मैं यही कहूंगी आपको कि अगर आपकी अप्रोच एकदम करेक्ट है और अगर आप धीरे धीरे लिख के बनाते हो तो आप अपनी लिखने की स्पीड तेज कर लो पढ़ने की स्पीड तेज कर लो अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है तो आप अपनी अप्रोच को सही करने की कोशिश करो दो ही चीजें हैं। बोलता है इसको प्रायोरिटी देंगे ठीक है, है is सबका औरली बन गया। क्या किसी ने इसमें पेन और पेपर का इस्तेमाल किया अगर किसी ने ऐसे क्वेश्चन में पेन और पेपर का इस्तेमाल किया है गलत रास्ते पे हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ किसी ने नहीं किया वेरी गुड चलो K is ग्रेटर than एच K से H पे जाएंगे ग्रेटर than का साइन आ रहा है डेफिनेटली आ रहा है L is ग्रेटर than इक्वल टू N, L से हम जाएंगे N पे दोनों डिफरेंट फैमिली के साइन आ गए ओनली कंक्लूजन माइनस ट्रू पांच सेकेंड का सवाल था सबको पांच सेकेंड लगे ना क्या सबको पांच सेकेंड लगे पढ़ने में सिर्फ पढ़ने में ही तो टाइम चाहिए और क्या चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ मैं यहीं खड़ी हूँ फाइव सेकेंड्स बन जाएगा पहला तो देखते ही बन रहा है चार सेकंड greater इज ग्रेटर टू E, दोनों डिफरेंट फैमिली के साइन आ गए G इज ग्रेटर than C, दोनों डिफरेंट फैमिली के साइन आ गए दोनों ही गलत है Neither conclusion कंक्लूजन वन conclusion second इज ट्रू चलो जी क्या सभी के तीन क्वेश्चन थे तीनों के तीनों inequalities एकदम करेक्ट बने एंड विदाउट पेन पेपर इन फाइव seconds बने हैं कि नहीं बने फाइव seconds पर क्वेश्चन सबके बने हैं अपना मिरर देख लो अपने आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का विदाउट पेन नाइस इसको भी दस दस सेकेंड में बनाने की कोशिश करना हर एक सवाल को बन जाएगा इसमें वैरायटी आ रही है बी और सी में जीरो में कंफ्यूजन है ये जीरो ही है क्योंकि सारे नंबर्स है ना ये ओ नहीं हो सकता ठीक है सकर यहाँ पे आप देखोगे सारे नंबर्स हैं सारे नंबर्स हैं मतलब ओ नहीं हो सकता चार क्वेश्चन ही हैं इसके चलो करते हैं पहला बोलता है हैं कितने नाइन है सीरीज के अंदर जो इमीडियटली प्रिसीडेड एंड इमीडियटली फॉलोड बाय इवन नंबर है सबसे पहले तो नाइन ढूंढ लो नाइन ढूंढ ली है ठीक है इमिडियटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय इवन नंबर एक तो बन गया दो बन गया और कोई नहीं बन तीन बन गया क्या सबका आंसर तीन आ रहा है क्या जिस जिसका आंसर बी आया है क्यों बी आया है जीरो को आपने काउंट नहीं किया क्या जीरो को काउंट नहीं किया क्या तुम लोगों ने गलत हो गया माइनस वन पॉइंट टू फाइव अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको छोड़ दिया करो हाउ मेनी सच देयर इन द गिवन सीरीज विच इमीडिएटली प्रिडेड एंड फॉलोड बाई द सेम नंबर ऐसे कितने नंबर है जिसके आगे पीछे सेम नंबर आ रहे हैं जिसके आगे पीछे सेम नंबर देखते जाओ आगे पीछे सेम नंबर किसी के नहीं है नान ना आ रहा है क्या सबका एक काम करो एक काम करो सभी के सभी लोग अभी के अभी अगर फ़ोन पे हो लैपटॉप पे हो गूगल करो जीरो इवन है या ऑड है आपके साथ साथ मैं भी करती हूँ करो गूगल करो जीरो इवन है या ऑड है सभी लोग करेंगे अगर आंसर मिल जाए तो बता देना ठीक है हाउ मेनी फाइव है के अंदर जिस जो इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई ऑड नंबर है फाइव ढूंढ के इवन फाइव ऑड फाइव इवन फाइव ऑड फाइव ऑड कितने फाइव है तीन फाइव है सी आ जाएगा हाँ अच्छा ये सकर आप ये कह रहे थे क्या आई नया है आई एम सॉरी मैंने आपको आपकी बात को समझा नहीं मुझे लगा आप ये बोल रहे हो कि मैम ये जीरो है या ओ है आई एम रियली सॉरी मैं नहीं इंटरप्रेट कर पाई लेकिन जीरो अब सबको समझ में आ गया गूगल कर लिया सबने मेरे पे ट्रस्ट नहीं है गूगल पे तो है चलो आई एम सॉरी अगर मैंने गलत इंटरप्रेट किया हो तो वॉट इज द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स इन द फर्स्ट टेन नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यहाँ से प्राइम नंबर्स का सम लगा लो देखो प्राइम नंबर कौन कौन से अपने पास वन तो नहीं होता ना वन भी होता है वन प्राइम नंबर होता होता? है कि नहीं सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस ऑप्शन नंबर सी सबका सी आया क्या क्या सबके एक तो गलत ही हुआ सबका ये वाला किस, किस के चारों के चारों करेक्ट बने बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से मेरा एक रॉन्ग हुआ रॉन्ग सबका जीरो वाला ही हुआ मुझे लगता है बन गया डन करें तीनों के आंसर्स बता देना ठीक है स्टार्ट करते हैं नाइन पर्सन हैं जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तीन कपल्स हैं तीन जनरेशन में एल इज द डॉटर ऑफ एक्स एल जो है वो किसकी डॉटर है एक्स की हु इज द सन इन लॉ ऑफ यू एक्स जो है वो किसका सन इन लॉ है यू का मतलब जो इसकी वाइफ होगी उसकी मदर यू मदर या फादर यू हो जाएंगे यू हैज ओनली वन sibling. यू का सिर्फ एक ही सिबलिंग है एंड इज द ग्रैंड मदर ऑफ़ एम किसकी ग्रैंड मदर है एम की अब एम इसका भी बच्चा हो सकता है किसी और का भी हो सकता है V is the brother-in-law of T. Who is the father of Z? T किसका फादर है Z का और V इसका क्या है ब्रदर इन लॉ टी का कोई भी सिबलिंग नहीं है अगर टी का कोई भी सिबलिंग नहीं है मतलब टी की वाइफ होगी और उसका ब्रदर कौन हो जाएगा ठीक है आगे बोलता है एम has नो सिबलिंग एम का कोई भी सिबलिंग नहीं है एंड इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ टी टी का ग्रैंड चाइल्ड है और एम का कोई भी सिब्लिंग नहीं है आगे क्या बोलता है यहां पे एक और चीज थी यू किसकी ग्रैंड मदर है एम की अब एम की ग्रैंड मदर है यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करके कर, कर, कर कर देख लेते हैं यू हैज ओनली टू डॉटर्स यू की सिर्फ दो ही बेटियां हैं दो बेटियां बनाई बेटी को कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को देखो यू की दो ही बेटियां हैं अब कैसे बनेगा इसका ये देखो इसका हस्बैंड है ना ये इधर से हो जाएगा अच्छा इधर से तो नहीं हो पाएगा ना mm. एक काम करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वाई इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ ए हु इज द सन इन लॉ ऑफ यू वाई किसका सन इन लॉ है यू का अब देखते हैं तीन जनरेशन आ गई ये ऊपर वाली जनरेशन में जाएगा Z नीचे वाली में आएगा उसके नीचे वाली में M आएगा Z के बारे में और कोई बात की गई थी क्या T हु इज द फादर ऑफ Z? नाइन पर्सन हैं तो एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छ ठीक है यहां पे इसको बनाना पड़ेगा ना इस तरीके से नीचे Z और नीचे M. अब Z कहाँ पे बनाए Z यहां पे बन सकता है M यहां पे बन सकता है आगे क्या बोलता है A इज द सन इन लॉ ऑफ यू Y इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ A. Y इज द ओनली अच्छा Y सिस्टर इन लॉ है क्या A की उल्टा बना दिया क्या मैंने थोड़ा सा मिनट पढ़ने दो मेरे को क्या बोलता है वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी टी हैज नो सिबलिंग्स टी का कोई भी सिब्लिंग नहीं है एम हु हैज नो सिबलिंग एम का भी कोई सिब्लिंग नहीं हैज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ टी यू हैज ओनली टू डॉटर्स वाई इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ ए उल्टा पढ़ लिया मैंने वाई ए जो है वो सन इन लॉ है यू का ठीक है चलो ए सन इन लॉ है यू का वाई सिस्टर इन लॉ अब कंप्लीट हो जाएगा अपना आगे क्या बोलता था इक्वल नंबर ऑफ है क्या इसमें क्या बोलता है नहीं कुछ भी नहीं बोलता है. एल के जेंडर के बारे में कुछ एल इज द डॉटर ऑफ एक्स अब क्लियर है अब क्लियर है क्या सबको ठीक है हाउ मेनी फीमेल्स फीमेल का जेंडर तो नहीं हमें पता था ना एल इज द डॉटर ऑफ एक्स कंप्लीट बना है ना ठीक है सबका सेम बना गया एक बार बता दो यार मुझे बोलता है कितनी फीमेल है तो एक एम का तो जेंडर नहीं पता कैन नॉट बी डेटरमाइंड एम यू से कैसे रिलेटेड है एम यू से कैसे रिलेटेड है नहीं पता ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है एक बार क्या 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 कंफ्यूजन हो रही है 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 हु इज द ऑफ एक्स एक्स का कौन वाई क्लियर है सबको एम का जेंडर इज नॉट डिफाइंड यस एम का जेंडर नॉट डिफाइंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें ये तो वैसे सब लोग छोड़ के याद हो क्वेश्चन स्टार्ट करो मैंने तो बनाया ही नहीं क्यों नहीं बनाया क्यों नहीं बनाया आंसर दो इसका क्वेश्चन का सेफ मार्क्स ऐसे नहीं बता, बता सकते जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता सजेस्ट अगर आपकी स्पीड है तो इसको पहले ही कर लेना चाहिए ना लास्ट के लिए मत छोड़ा करो क्योंकि ऐसे होते हैं जिनसे ही स्कोर मिलता है आपको में इससे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना हाउ मेनी पेयर ऑफ में है तो P, A, G, सबसे पहले लिख लेते हैं ओ पी काउंट कर लेंगे आप सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी नहीं जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन वन टू थ्री फोर नहीं जा रहा नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फोरटीन सेवन नाइन ही पेयर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए सबका ए बन रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नार्कोटाइज में देखो क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है बोलता है सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड नाइन्थ लेटर सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एथ नाइन्थ ए आर सी ई ए आर सी ई से एक तो एकड़ बन जाएगा एक रेस बन जाएगा दो तो बन ही गए अगर वो बोलता है एक से ज़्यादा बनता है तो अपने को क्या लगाना है आंसर एक्स लगाना है ऑप्शन नंबर डी सबके दो वर्ड्स तो बन ही गए थे रेस एंड एकड़ केयर भी तो बन रहा है तीन बन गए एकड़ तो सबको पता है मेजरमेंट होती है लैंड की रेस लगाना केयर करना और भी जितने बनते बना सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल है प्रिलिम्स वाली पजल लॉजिक मत लगा देना पर्सन काउंट करने का चलो स्टार्ट करो और ये भी बताना कि कितने पर्सन uh, बैठे इसके अंदर मैं वन टू थर्टी फाइव अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करें और शुड बी स्किम देम फर्स्ट प्रिलिम्स में स्किम करने का टाइम नहीं होता वॉट आई डू मैं सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन उठाती हूँ सारे कर लेती हूँ उसके बाद पजल्स को उठाती हूँ फिर सारी पजल्स करती हूँ ठीक है आप वन टू थर्टी फाइव सीधा उठाना चाहते हो तो सीधा उठा लेना बट अगर आपको स्कोर ज़्यादा अच्छे से करना है तो मिसलेनियस उठा लो पहले पजल्स को बाद में कर लेना इनपुट आउटपुट लास्ट के लिए छोड़ोगे अगर आ जाता है वैसे नहीं आएगा और कोडिंग uh, डिकोडिंग भी आ जाता है तो उसको भी मिसलेनियस कंप्लीट करने के बाद कोडिंग डिकोडिंग फिर पजल आई होप अब क्लियर होगा स्किम मत करना टाइम नहीं होता डन 11 परसेंस हैं चल क्यों नहीं है चलो क्वेश्चंस भी कर लो चलो स्टार्ट करते हैं ना सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लीनियर रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ पी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वी वी के फोर्थ टू द राइट में पी बैठ जाएगा वन पर्सन बिटवीन पी एंड एस एक पर्सन यहां से बना सकते हो एक पर्सन यहां से बना सकते हो टी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एज मेनी पर्सन बिटवीन बी एंड टी एज बिटवीन बी एंड के हो गया वी और टी के बीच में दो पर्सन है वी और K के बीच में भी दो पर्सन हो जाएंगे नेबर नेबर ऑफ ऑफ है यहां से नहीं बन पाएगा कैंसिल आउट बना दिया एज टू एज टू द राइट ऑफ एस बन गया कंप्लीट हो गया चलो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह इलेवन पीपल बन जाएंगे फोइन सिट एट द एक्सट्रीम एंड जी बैठा था एक्सट्रीम एंड पे हाउ मेनी पर्सन बिटवीन वी एंड जी शायद दो थे देख लेते हैं वी और जी में दोनल कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, है. Right नहीं. और के बीच में क्या एक ही पर्सन था एन और पी के बीच में एक पर्सन नहीं था एंड सिट्स सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड चल पढ़ो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन बैठेगा एन चल जाए टी सी थर्ड टू द राइट ऑफ वी वी के थर्ड टू द राइट में कौन है टी तो नहीं है चल हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एन और पी के एक्जैक्टली exactly बिटवीन कौन बैठा है एन और पी के एग्जैक्टली exactly बिटवीन एक लीव किया दो लीव किया एक मिनट एन और पी के एक दो टी एग्जैक्टली बिटवीन आ गया चल ऑप्शन नंबर डी क्या सबका सही बना है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट का हो जाए तो डन कर देना ठीक है डन क्वेश्चंस देख लो फिर स्टार्ट करते हैं ई e. सबका बी आ रहा है फोकस 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 मेरे को अरेंजमेंट बताओ कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है किस किस का फेस इनसाइड है किस किस का फेस आउटसाइड है एल एच जे एम का इन साइड है और आई के एन जी का आउटसाइड है ऐसा बोल रहे हो क्या स्टार्ट करते हैं देखो एट पर्सन है जो कि एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं कॉर्नर वाले फेसिंग इनसाइड हैं है और मिडल वाले आउटसाइड हैं। है पर्सन बिटवीन जी एल जी एंड एल जो कि मिडल ऑफ द साइड पे नहीं बैठेगा दो पर्सन यहां से छोड़े जी दो पर्सन यहां से छोड़े जी के सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल के हो जाएगा आई सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के के का सेकंड टू द लेफ्ट आई इधर आ जाएगा जे सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई आई का थर्ड टू द लेफ्ट उधर बन जाएगा जे इधर बन जाएगा जे द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड जी इज वन लेस दैन बिटवीन एम एंड एन वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एम एंड जी जी के राइट से काउंट करेंगे जी और आई के बीच में तीन पर्सन हैं जी और आई के बीच में जितने पर्सन है वो वन लेस हैं एम और एन के बीच में एम से भी हमें राइट से काउंट करना पड़ेगा यानी कि एम और एन के बीच में चार पर्सनस होंगे एम और एन के बीच में चार पर्सन होंगे यही बोलता है नम और एन के बीच में चार पर्सनस होंगे एम को यहां डालेंगे राइट से देखेंगे एक दो तीन चार एन यहां पे आ सकता है एम को यहाँ डालेंगे एक दो तीन चार एन नहीं आ सकता एम को यहां डालेंगे एक दो तीन चार, चार. यानी कि अपने पास एम और एन एम और एन यहाँ पे आ सकते हैं ठीक है एच इज N, उसमें भी देख लेते हैं मुझे राइट से काउंट करना पड़ेगा जी और आई के बीच में एक पर्सन है यानी कि एम और एन के बीच में दो पर्सन होंगे एम को यहां से डाला राइट देखा एन यहां पे आ सकता है एम को यहां पे डाला एन यहाँ पे आ सकता है और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है एच uh, जो है वो इमीडिएट नेबर का है एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन लेकिन आई का नहीं है ठीक है एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन लेकिन आई का नहीं है ये वाला करेक्ट है क्या सबका एच एल एम जे एन के आई जी करेक्ट बने के एक बार बता दो जे एल एम एच जे एल एम एच एन के एन जी आई के करेक्ट है चलो क्वेश्चंस करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग सेट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर एम और आई देख लेते हैं एम और आई इमीडिएट लेफ्ट है एन और एच एन और एच इमीडिएट लेफ्ट है के और एल एम एंड जी के और एल इमीडिएट लेफ्ट है एल एन जी एन एन जी था एल एन जी था क्या था एम एन जी एम और जी इमीडिएट राइट है जी एन जे तो नहीं होंगे जी एंड जे इमीडिएट लेफ्ट है वट इज द पोजिशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू जे हमें जे से के पे जाना है जे से के पे जे से के पे थर्ड टू द राइट ऑप्शन नंबर बी अच्छा इधर वाला ऑप्शन बी है तो ये भी चेक कर लेते फिफ्थ टू द लेफ्ट एक दो तीन चार पांच ऑप्शन नंबर ई होगा फिर ठीक है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एम एंड के एंटी क्लॉकवाइज जाना है एम से एम से एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे तो एम और के के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे दो पर्सन एंटी क्लॉक जाना है ना अपने को एम से एंटी क्लॉक वाइज एम से एंटी क्लॉक वाइज तो ऐसे ही जाएगा मतलब उल्टा जाना है दो पर्सन आ रहे हैं क्या सबके देखना जरा नहीं अपने को एंटी क्लॉक जाना ना तो क्लॉक तो हमारी ऐसे चलती है ना एंटी क्लॉक जाएंगे तो एक दो तीन चार पर्सन है चार आ रहे हैं क्या बी या सी क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का चार आ रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड एंटी एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एम दस फॉर्म अ ग्रुप इसमें किंग तो अपना आउटसाइड था ना एम हो जाएगा सेकेंड टू द राइट ऑफ एल जो बैठा है उसके इमीडिएट ऑपोजिट एल के सेकेंड टू द राइट के इमीडिएट ऑपोजिट कौन है एच है ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें डेजिग्नेशन बेस्ड पर्सन सभी के सभी लोग फटाफट से बनाएंगे इसको और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे जैसे ही बन जाए डन कर देना और ऑर्डर लिख देना किस ऑर्डर में सभी पर्सन आए हैं ठीक है डन क्वेश्चन भी देख लो एफ बी डी जी सी एके क्वेश्चन देख लो CB एग्जॉस्ट हो गया चलो क्वेश्चन करते हैं इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं डिफरेंट डेजिग्नेशन पे और वाइस चांसलर से स्टार्ट होती है उनकी डेजिग्नेशन और नीचे तक जाती है डायरेक्टर डीन डायरेक्टर डीन एचओी पी डी पी एफ एपी हो गए सारे पूरे एक दो तीन चार पांच छः सात चलो जी सेवन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं ओनली टू परसेंट बिटवीन सी एंड बी जो कि जूनियर नहीं है डीन से या तो डीन होगा या सीनियर होगा ठीक है इसके बीच में दो पर्सन है ए इज इमीडिएटली जूनियर टू सी ए इमीडिएटली जूनियर है सी से ओनली टू पर्सन बिटवीन ए एंड डी ए और डी के बीच में दो पर्सन जाए नीचे तो नहीं बन सकता एफ इज टू पर्सन सीनियर टू डी इसमें नहीं बन पाएगा ई इज जूनियर टू पीडी ई जो है जूनियर है पीडी से बन गया ए बी सी डी ई एफ कौन बचा जी बच गया क्लियर है सबको क्वेश्चन करते हैं पहला हु अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर डायरेक्टर कौन अपने पास बी है uh... हाउ मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिट्वीन बी एंड ए एक दो तीन तीन पर्सन है इसमें से ऑट वन आउट निकालना है एफ बी बी डी जी सी देख लेते हैं एफ बी बी डी जी सी एकदम नीचे वाले आ रहे हैं सब लोग ए ई एफ डी एफ डी एफ डी अपने पास क्या हो गया दोनों में एक पर्सन का गैप आ रहा है क्लियर हु पर्सन इज टू पर्सन जूनियर टू जी जी से दो पर्सन जूनियर कौन है अपने पास ए है ऑप्शन नंबर डी ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है बी इज जूनियर टू डी ओनली थ्री पर्सन बिटवीन जी एंड एफ बी इज जूनियर टू डी ओनली थ्री पर्सन बिटवीन डी एंड एफ नो दोनों ही गलत होगी जी और एफ था क्या जी और एफ था जी और एफ के बीच में थ्री पर्सन टू पर्सन है सी इज टू पर्सन सीनियर टू ई सी इज टू पर्सन सीनियर टू ई ये तो करेक्ट हो गया चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ऑर्डर एंड रैंकिंग का थर्टी सेकेंड्स में यू हैव टू कंप्लीट थर्टी सेकेंड्स डन हो जाए तो बताना क्वेश्चंस दिखा दूंगी डन क्वेश्चन देख लो इसके ओ एच एम एल जे के एन ये क्वेश्चन इजी था यस yes, तभी मैंने आपको बोला कि थर्टी सेकेंड्स में कर लो फोकस 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 स्टार्ट करें सेवन पर्सन वन आफ्टर द अनदर ओनली टू पर्सन बिटवीन एल एंड ओ एल और ओ के बीच में दो ही पर्सन है वन पर्सन बिटवीन एल एंड के जो एल के बाद बाय करता है ठीक है एम बाय थ्री पर्सन बिफोर के एक दो तीन एक दो तीन

J को और एन को यहां रखूंगी तो नीचे एन और जे नहीं लग पाएगा इसको कैंसिल ही कर दो ओ एच एम एल जे के एन कंप्लीट है बस ये लास्ट ही क्वेश्चन था ठीक है हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग द थिंग्स बिटवीन के एंड एम के और एम के बीच में कितने पर्सन हैं के और एम दो पर्सन आ गए इनमें से ऑड वन आउट निकालना है एल के एच एल एल के एक का गैप है एच एल में एक का गैप है ओ एम एन जे ओ एम एन जे एनजे ऊपर आ रहा है बाकी सब नीचे आ रहे थे एम के एम के एम के में कितने का गैप है दो का गैप है तो एम के अपना विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट ये तीन क्वेश्चन जो हैं आप लोगों ने देख लिया इन तीन क्वेश्चन के आंसर्स इन तीन क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग मुझे देंगे किसमें कॉमेंट सेक्शन में ठीक है कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर्स देंगे तीनों क्वेश्चंस के दिस इज योर होमवर्क वैसे तो अभी आपने कर ही लिया बट कमेंट सेक्शन में दे देंगे आज हमने दो मॉक टेस्ट किए अभी सभी बच्चे जाना मत जिसको जिसको भी सेशन पसंद आया बहुत पसंद आया लाइक जरूर करके जाना आई एम टारगेटिंग टू लाइक्स लाइक्स राइट नाउ है ना तो जिसने भी लाइक like नहीं किया फटाफट से लाइक like कर दो साथ ही साथ मैंने आज आपको दो मॉक टेस्ट कराए है, है ना पहले मॉक टेस्ट में काफी सवाल आप लोगों के गलत हुए लेकिन दूसरे मॉक टेस्ट में आप लोगों ने काफी ने अच्छा परफॉर्म किया एंड आई होप कि आज आप सभी को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आगे होंगे आज का मॉकटेस आपको अच्छा लगा होगा कॉन्फिडेंस नहीं गिरा होगा आपका है ना कॉन्फिडेंस हाई ही रखना है मोटिवेशन रखनी है अपने आप के अंदर सेल्फ बिलीफ रखना है कि यस हम कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं जिस जिसको भी सेशन पसंद आया ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना सेशन को लाइक कर देना और हम लोग कल मिलेंगे कल भी हम लोग हर्षल सर के साथ में आऊँगी और हम लोग मैराथन के अंदर ज्वाइन करेंगे उसके अंदर मैं आपको दो मॉक टेस्ट फिर से कराऊंगी तो इस तरीके से आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छी 23.75 थ्री आई इसमें कोई बात नहीं आई होप आपको मैम मेरी एक पॉसिबिलिटी बन रही है मैं देख लेती हूँ सकर पी एफ बी डी ई सी ए पी एफ बी डी ई सी ए देख लेते हैं आपकी बनी है इसमें बनी होगी पी एफ ये बनी है ना आपकी उसने बोला था यहाँ पे ई के बारे में ई इज़ जूनियर टू पी डी ई जो है पी डी से जूनियर है मतलब ई e यहाँ पे आना चाहिए तो इसलिए ये वाली गलत है ठीक है सकर क्लियर सुबह दस बजे से है मैराथन आई गेस है ना सुबह दस बजे से होगी मैराथन बाकी आपको टेलीग्राम पे सब लिंक्स विंक्स मिल जाएंगे तो उसमें ज्वाइन कर लेना आज के इस सेशन के रिव्यूज आप लोग लिख के जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशन किस तरीके का लगा ये है ना आपके कितने कितने मार्क्स आए पूरे सेशन के अंदर आपका स्कोर आपने मेंशन करना है सेशन मेंशन करना है आपको किस तरीके का लगा और अगर आपने कोई नई अप्रोच भी सीखी आज तो वो भी लिखना छोटा सा रिव्यू है वो देखे जरूर जाना आपके टाइम के सिर्फ कुछ सेकेंड्स लगेंगे और मुझे आपका रिव्यू मिल जाएगा मैम आप 20 मिनट्स में मैनेज कैसे करते हैं वो देखना है आ, कैसे बताऊंगी 20 मिनट्स वाला मैनेज है ना वो तो पेपर में ही पता चलेगा 20 मिनट्स में देखो मैनेज कैसे करती हूँ मैं सबसे पहले मैं मिसलेनियस उठाती हूँ जो क्वेश्चन मेरा एक ही टारगेट रहता है जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाओ जो नहीं बन रहा है उसको स्किप करो क्योंकि प्रीलिम्स में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन एक क्वेश्चन पे बैठे रहें है ना तो मिसलेनियस मैंने उठाया फटाफट से क्वेश्चंस बनाए मुझे लग रहा है कि अगर इस क्वेश्चन में दो सेकंड और लग के मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो मैं उसको बना लूंगी लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन एक बार में पूरा गलत बन गया अब मैं उस पर एक मिनट और इन्वेस्ट नहीं करना चाहती मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भर जाऊंगी टाइम मिलेगा तो उसको लास्ट में कर लूंगी फिर मैं पजल्स करती हूँ और पजल्स भी उसी तरीके से करती हूँ जिस तरीके से जो मुझे इजी लग रही है मैं लाइन वाइज देखती जाऊंगी सारे क्वेश्चंस उठा लूंगी क्योंकि मिसलेनियस कर लिए तो बाकी तो पजल के ही बचेंगे ना तो एक एक करके पजल उठा लूंगी जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे करती जाऊंगी नहीं बनेगी तो छोड़ दूंगी है ना ये जो आप बोल रहे हो ना मुझे सॉल्व करके दिखा दीजिए ये ओबीएस पे होता है है ना ओ एक सॉफ्टवेयर होता है उस पर मैं कर सकती हूँ बोर्ड पर नहीं हो पाएगा वो सॉल्व अगर होता है तो मैं आपके लिए पक्का एक सेशन ले आऊंगी ट्राई नहीं तो फिर आम भरोसे है ना क्लियर तो बढ़िया लगा सबको सेशन तो लाइक तो कर दो यार और लास्ट में जाते जाते सब लोग बनाएंगे क्या दिल जले रेड हार्ट एंड फायर इमोजी ये हमारे सारे कोर्सेज पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है कोड लगा लेना ऑल 20 एंड मॉक टेस्ट पे 25% का डिस्काउंट चल रहा है कोड लगा लेना मॉक 25 लर्न नीति थी ऐप डाउनलोड कर लेना और आज के लिए इतना ही था तो आज के लिए आपसे विदा लेंगे मिलेंगे फिर आप लोगों को कल कल डेफिनेटली मिलने वाले हैं है ना बुलेट की स्पीड से वो वाले तो बना रखी है मैंने डेफिनेटली बना रखी है उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है बट अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो लेटेस्ट की अभी मैं गारंटी आपको नहीं दे सकती हूँ है ना तो कल मिलेंगे आपको फिर बुलेट स्पीड से अगर मेरी बुलेट स्पीड आप बोलते हो तो आपकी भी मुझे बुलेट की स्पीड बनानी है क्योंकि जब तक बुलेट स्पीड नहीं बनेगी ना तब तक मजा सा नहीं आएगा है ना तो आज के लिए आपसे यही विदा लेते हैं आपका शुक्रिया अदा कि आप इस सेशन में बने रहे जितने भी बच्चे अभी भी लाइव बैठे हैं सबको थैंक यू कि सब बने रहे एंड आई होप सारा कुछ ऐसे समझ में आया मिलेंगे कल पक्का से मैराथन में आ जाना अटेंडेंस लगा लेना भूलना नहीं है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका भी इस्तेमाल करना चाहो तो कर लेना चलो जी बाय बाय टेक केयर टाटा स्टे टून गुड लक स्टे हैप्पी एंड एंड मेक यूर सेल्फ प्राउड पेरेंट्स का देख लेना बनाना कि नहीं बनाना बना देना यार ऐसे नहीं करते होते 200 लाइक तो कर दो दोस्तों